हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू स्पोर्ट्स नेस्ट। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पांडे। देखिए, इंडिया और पाकिस्तान तो आपस में 28 अगस्त को टकराएंगे, लेकिन जो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं, वो चीज़ें हैं भाई क्या रहेगा पिच का मिजाज और क्या रहेगा मौसम का मिजाज। अगर हम पिच की बात करें तो देखिए, आप जानते हैं कि अगर कोई भी टीम जितना भी बड़ा दमखम लगा ले, यानी इंडिया कितनी भी मेहनत कर ले या फिर पाकिस्तान कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन जब तक वो 22 गज की पट्टी आपको फेवर नहीं करेगी तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता। यानी पिच का आपको फेवर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। वहीं अगर हम मौसम की बात करें तो मौसम में इंद्र देवता कितने मेहरबान रहेंगे, यानी बारिश होगी, नमी कितनी रहेगी, अधिकतम तापमान यानी मैक्सिमम टेम्परेचर कितना रहेगा, वो सब चीज़ें आपको इस वीडियो में हम कवर करके देंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और स्किप करने की बिल्कुल गलती मत करिए। तो देखिए, शुरुआत करते हैं पिच रिपोर्ट से। पिच की अगर हम बात करें तो इस पिच में, यानी दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम की जो पिच है, इस पिच में बल्लेबाजों को बहुत ही ज़्यादा मदद मिलती हुई नज़र आई है। यानी अगर इन नटशेल बात करूँ मैं, ये जो पिच है वो बैटिंग पिच रहेगी, हालांकि बॉलर्स को भी थोड़ी बहुत यहाँ पर मदद मिल सकती है और ख़ासकर स्पिनर्स को बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। यानी इंडिया की तरफ से युजवेंद्र चहल की यहाँ पर बल्ले बल्ले होने वाली, क्योंकि आप जानते हैं यूजी चहल लेग स्पिनर है और विकेट टेकर भी है, बहुत ही बड़े एसेट साबित हो सकते हैं टीम इंडिया के लिए। तो इसीलिए स्पिनर्स को यहां पे मदद मिलेगी, साथ ही साथ बैटिंग पिच है तो बैटर्स को हालांकि मदद जरूर जरूर मिलेगी। और वहीं अगर हम बाउंड्रीज की बात करें तो यहां का जो फील्ड है, आउटफील्ड है, यहां का तेज आउटफील्ड है, यानी हमें चौके छक्कों की बरसात हो सकती है। हालांकि मौसम में तो हम डेफिनेटली ये चीज़ नहीं चाहेंगे कि भाई मौसम में बारिश की बरसात हो, यानी बारिश हो, लेकिन चौको छक्कों की यहाँ पे बरसात होगी। और अगर हम अब स्कोर की बात करें, यहाँ पे एवरेज स्कोर, यानी दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम की जो पिच है वहाँ पे अगर हम एवरेज स्कोर की बात करें तो यहाँ का एवरेज स्कोर 140-150 आप लोग मान के चलिए कि इतना की स्कोर आप मतलब आपको देखने को इतना स्कोर मिल जाएगा, तो बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम नहीं है। T20 के हिसाब से ठीक ठाक स्कोर है, क्योंकि आप जानते हैं पहले तो एशिया कप्स वनडे फॉर्मेट में होता था, लेकिन अब जो है T20 फॉर्मेट में होगा, तो इसीलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है, 150 तक आराम से पहुंच जाएंगे। वहीं अगर हम पिच की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो चलिए आपको थोड़े से यहां पे रिकॉर्ड्स जो इस स्टेडियम में, दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में जो रिकॉर्ड्स बने हैं वो भी आपको जल्दी से बता देते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा ईजी हो जाए समझने में। देखिए, यहां पर अगर हम मोस्ट रन्स की बात करें तो मोस्ट रन्स पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम ने बनाए हैं, 446 रन्स इन्होंने बनाए हैं। मोस्ट रन्स इंडिया की तरफ से अगर हम बात करें तो इंडिया की तरफ से KL राहुल हमारे, जो अभी अभी चोट से उभर कर आए हैं, यानी आप जानते हैं IPL के बाद KL राहुल चोटिल हो गए थे, तो उसके बाद अभी उभर कर आए हैं। KL राहुल ने 125 रन्स इन्होंने बनाए हैं। KL राहुल भी आपको बतौर ओपनिंग करते हुए रोहित शर्मा के साथ नजर आएंगे। हाईएस्ट स्कोर की अगर हम बात करें तो मार्टिन गप्टिल का यहाँ पे हाईएस्ट स्कोर है 93 का। हाईएस्ट स्कोर इंडिया की तरफ से अगर हम बात करें तो यहाँ पे रोहित मैन शर्मा का स्कोर है, जो कि 56 रन्स का स्कोर है। तो देखिए, ये कुछ रिकॉर्ड्स थे जो आपने देखे जो इस मैदान में बनते हुए नजर आए थे कुछ टाइम पहले। और अगर हम बात करें यहाँ पे KL राहुल की, तो KL राहुल के भी आपने रिकॉर्ड्स देखे, कितने शानदार रिकॉर्ड्स थे। टॉस भी एक अहम, बहुत ही ज्यादा अहम भूमिका निभाता हुआ नजर आएगा। अगर इस मैदान की बात करें तो यहाँ पर टॉस लेकर पहले बॉलिंग करना थोड़ा सा सही माना जाता है, क्योंकि इस मैदान पर चेजिंग मतलब जिस भी टीम ने चेज करा है वो थोड़ा सा फायदे में, थोड़ा सा बेनिफिट में रहती हुई नजर आती है। तो इसीलिए टॉस जो है बहुत ही अहम फैक्टर प्ले करेगा इस मैच में। देखिए, यहाँ का वेदर रिपोर्ट कुछ ऐसा कहता है कि भाई मौसम तो यहाँ पर साफ रहेगा, यानी बारिश की कोई भी आशंका नहीं है, तो बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है आपके लिए कि बारिश के बिल्कुल भी आसार नहीं है। दुबई में शाम 6 बजे आप जानते हैं मैच शुरू होगा, क्योंकि वहाँ 6 बजे और इंडिया के हिसाब से शाम 7:30 बजे, यानी 7 बजे आपको टॉस देखने को मिलेगा, वहीं 7:30 बजे आपको मैच भी देखने को मिलेगा। हवा चलने के आसार है, हवा जो है तेज़ गति से चल सकती है, तेज़ गेंदबाजों को यहाँ मदद मिल सकती है हवा की वजह से। मतलब वैसे तो मैंने आपको बताया था कि स्पिनर्स को यहाँ पर ज़्यादा मदद मिलेगी, बट अगर हवा चली तो तेज़ गेंदबाजों को भी काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। 37 डिग्री तक टेम्परेचर रहने की यहां पर संभावना है, वहीं 40% से कम नमी रहेगी।
50% से कम जो है नमी रहेगी, यानी ड्यू फैक्टर भी रहेगा लेकिन उतना ज़्यादा जो है ड्यू फैक्टर यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो ये थी कुछ वेदर रिपोर्ट और पिच रिपोर्ट हमने आपको बताया। अब आप भी अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने ओपिनियंस जो है हमें दीजिए और बताइए कि आपको क्या लगता है इस बार इंडिया जो है बदला ले पाएगी। जो हार गए थे हम लोग, T20 मुकाबला हार गए थे पाकिस्तान से 10 विकेटों से, बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक वो हार थी। तो क्या हम लोग इस मैच में बदला ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। साथ ही साथ हमेशा की तरह अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपना प्यार दीजिए, और अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को तो क्या कर रहे हैं आप, सब्सक्राइब कर लीजिए।